हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए कटहल की सब्जी बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा टेस्टी कटहल की सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कटहल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 kg कटहल ले लिए हैं। मैंने कटहल को बीच से कट कर दिया है 2 टुकड़ों में, और आप देख सकते हैं इस तरह का कटहल बिल्कुल परफेक्ट होता है सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल मीडियम साइज के बीज होते हैं, बहुत छोटे नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़े भी नहीं। तो इस तरह के बीज वाले कटहल से सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से आप कटहल का चुनाव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 kg कटहल लिए हैं। तो अब हम इस कटहल को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये बिल्कुल सही और आसान तरीका है कटहल को कट करने का। अगर आप ये तरीका जानना चाहते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से कटहल को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं ये तरीका। मैंने कटहल कट करने का सही तरीका शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, छोटे छोटे पीसेस में बहुत इजीली मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे कुकर में पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 kg कटहल लिया था, जो कि अब बनाने के बाद ये 1 kg रह गया है। तो अब हम कट किए हुए सारे कटहल को कुकर में डाल देंगे, और साथ ही उसमें डालेंगे 2 बड़े गिलास पानी। ml में पानी को देखें तो 700 से 800 ml तक पानी उसमें ऐड कर दें। साथ ही उसमें 1/2 teaspoon नमक भी ऐड कर दें, और कुकर का ढक्कन लगा दें, और इसे 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं। तो जब तक कुकर में सीटी लगती है, तब तक हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कटहल का मसाला भी ले लिया है, जिसमें कि मैंने 2 medium size के प्याज ले लिए हैं, 20 से 25 ले लिए लहसुन की कलियां, और 1-2 inch का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 teaspoon ले लिया है खड़ी वाली काली मिर्च यानी कि गोल मिर्च, और 2 है सूखी लाल मिर्च। आप इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च की जगह पाउडर मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, बट इनमें जो टेस्ट होगा वो पाउडर में नहीं होगा। अब हम सभी चीजों को पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला ग्राइंडिंग जार ले लिया, सभी मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़े से पानी के साथ इसे पीस लेंगे हम। सो गाइस, मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर दिया, अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए गाइस, मसाला पीसकर तैयार हो चुका है, और इधर हमारा कटहल भी तैयार हो गया अच्छे से। देखिए अच्छे से गल गया है, और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी है, जो पानी हमने कुकर में बॉईल करते टाइम इसके साथ डाला था। तो पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया अच्छे से, इसमें एक भी पानी नहीं है। ये पानी हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें कड़वापन होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। जैसे ही अच्छे से गर्म होगा, हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तो देखिए पैन अच्छे से गर्म हो गया, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट कटहल की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में जितनी टेस्टी लगती है, रिफाइंड ऑयल में नहीं लगती। तो देखिए गाइस, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे जीरा, जो कि मैंने यहाँ पे 1 teaspoon लिया है। जीरा को हम थोड़ा सा भूनने देंगे। जीरा कटहल की सब्जी की जान है, तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है कटहल की सब्जी में। तो जीरा के भूनते ही हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने पिसा हुआ रखा था। और मसाला ऐड करने के साथ ही हम इसमें 1 glass पानी भी ऐड कर देंगे मसाले को अच्छे से पकाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 teaspoon हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 teaspoon नमक भी ऐड कर दूंगी। पहले भी मैंने 1/2 teaspoon नमक डालकर इसे बॉईल किया था, बट फिर से मैं इसमें 1.5 teaspoon नमक ऐड कर रही हूँ। इसके स्वाद के अनुसार आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। आप इसके बीच में भी इसे चला सकते हैं। सो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन मैं हटा दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। इसे एक बार चला लेंगे। मसाले में से बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से भुन गया है मसाला। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 medium size का टमाटर लिया है, जिसे मोटा मोटा ही काट लिया मैंने। टमाटर को भी मसाले में मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें बॉईल किया हुआ कटहल भी ऐड कर देंगे।
अब एक बार अच्छे से चला लेंगे सभी चीजों को। कटहल को चलाने के बाद एक ग्लास पानी और इसमें ऐड कर देंगे। फिर से इसे अच्छे से चला लेंगे। अब फिर से हम इसे कवर कर देंगे और 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। क्योंकि इसमें की सभी चीजें पकी पकाई हैं, तो हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे सिर्फ इसीलिए कि कटहल में सारे मसाले का फ्लेवर चला जाए और इसका पानी भी सूख जाए जो हमने ऐड किया है। सो गाइस, 3 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन हटा देते हैं और एक बार चला कर देखते हैं कटहल को। तो देखिए गाइस, इसमें का सारा पानी सूख गया है, तेल इसने छोड़ दिया है, सारा जो फ्लेवर था मसाले का वो कटहल में अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है, तो इसे थोड़ी देर और ढकने का यही रीजन था। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गई, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आपने देखा इसे बनाने का तरीका भी अलग था और ये कटहल की सब्जी खाने में भी बिल्कुल अलग है, यानी कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें मुझे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।